मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे ढेर सारा केक नहीं मिला तो मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। अरे वाह, उस टेम्पू में तो केक रखा है। चलो जल्दी से उसे खा लेता हूँ। अरे भैया कहाँ हो, जल्दी से केक लेकर आ जाओ। मैंने सुना है हमारे शहर में केक खाने वाला एक खतरनाक रावण घूम रहा है, जो केक देखते ही उसे खा लेता है। अरे बहन जी आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। अरे ये क्या, मेरा टेम्पो ऊपर कैसे जा रहा है? अरे बाबा आप कैसे भी करके मेरे इन सभी केक को उस रावण से बचाने में मदद कीजिए। अरे बाप रे बाप, ये तो रावण है। देखो तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे इस दुकान के सारे केक इन दोनों ट्रक में लोड करवाकर कहीं दूर भिजवा देंगे उस रावण से। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह कितने टेस्टी केक हैं। गोरिल्ला पिंकी और बंदर अब चलो, हम सभी मिलकर इस दुकान के सारे केक इन दोनों ट्रक में फटाफट लोड करवा देते हैं। अच्छा ठीक है बाबा। अरे कोई बचाओ मुझे। अभी मुझे और केक खाना है, ढेर सारा केक खाना है। अरे वाह वो रही केक की दुकान, वहाँ पर तो ढेर सारा केक होगा। अरे बाप रे बाप, ये रावण चिंटू तो इसी तरफ आ रहा है। अरे बाबा अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हाँ पिंकी सही कहा, गोरिल्ला एक ट्रक मैं चलाता हूँ और दूसरा तुम चलाना। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब सभी जल्दी बैठ जाओ। अरे ये क्या, इस दुकान में तो एक भी केक नहीं है। अच्छा तो इस दुकान के सारे केक उन ट्रक में भर भर कर ले जा रहे हैं। अब तो इन केक को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे ये क्या, रावण चिंटू तो हमारे पीछे आ रहा है, अब ना जाने क्या होगा। अब तो मजा ही आ जाएगा इतने सारे केक खाकर। अरे इस रावण ने तो मेरा पूरा एक ट्रक केक खा लिया। अरे वाह मजा आ गया, लेकिन अभी मुझे एक ट्रक और केक खाना है। हाँ वो रहा केक वाला दूसरा ट्रक। अरे बाबा चिंटू ने तो एक ट्रक का सारा केक खा लिया है, और तो और अब वो इस ट्रक के भी सारे केक खाना चाहता है। अब इस रावण चिंटू का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। बंदर तू जल्दी से इस ड्राइविंग सीट पर आ जा, और मैं ऊपर जाकर उस रावण चिंटू का इलाज करता हूँ। वाह अब तो ये सारा टेस्टी केक मेरे पेट में जाएगा। चिंटू तू ये केक नहीं, अब मेरी लात खा।
अरे ये क्या, मैं तो इंसान बन गया, मुझे केक खाना है। देखा केक वाले अंकल, बाबा ने आपका केक बचा ही लिया। अरे बंदर, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा एक ट्रक केक तो इसने खा लिया ना, अब उसका नुकसान कौन भरेगा? केक वाले, तुम चिंता मत करो, इस चिंटू ने तुम्हारा केक खाया है तो इसकी भरपाई के लिए ये चिंटू तुम्हारी दुकान पर एक साल तक नौकरी करेगा। क्या? अरे नहीं बाबा।